जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शोभुज। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यस, द फोर व्हील, काफ़ी प्यार आपने दिए हैं। लास्ट दो ब्लॉक काफ़ी हिट था, काफ़ी सारा गाड़ी सेल हो चुका है। आज भी होगा धमाल, कमल और जलवा, और चुम्बेश्वरी गाड़ी का स्टॉक लेके हाजिर हो चुका हूँ दी फोर व्हील पे। सो बॉयज एंड गर्ल्स, डियर व्यूअर्स, आई हैव विथ मी द प्रोपराइटर ऑफ फोर व्हील, मिस्टर गौरव। गौरव जी, स्वस्थ और मस्त? एकदम बढ़िया बिंदास। तो पहले बताइए, लास्ट दो ब्लॉक का कमाल कैसा था? बहुत ही बढ़िया था, और लास्ट वाला तो एकदम, मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया, आपके व्यूअर्स ने इतना प्यार दिया, मैं आपको पर्सनली धन्यवाद बोलता हूँ इतना ट्रस्ट करने के लिए। सिर्फ दो ब्लॉग में इतना अच्छा रिस्पांस आएगा मैं सोचा नहीं था। थैंक यू, बट आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ से गाड़ी लेने आया है, कोई आंध्रा से आया है, कोई बैंगलोर से आया है, कोई मुर्शिदाबाद से आया है, तो बहुत अच्छा लगता है जब बाहर के लोग आते हैं, कोई उड़ीसा से भी आए हैं आपके व्यूअर्स, तो उड़ीसा से आके लोग फोन में डील करके, सोचिए फोन में आप डील कर रहे हो, गाड़ी में यहाँ से ट्रांसपोर्ट में भेज देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लाखों लाख रुपए का चीज बिना देखे सिर्फ बात पे वीडियो पे ट्रस्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये जानते हैं क्यों? कलकत्ता ट्यूब मींस ट्रस्ट। बिल्कुल, सब जगह जाता आपने वो कमाया है। मैं सब जगह जाता नहीं हूँ, मैं चुन चुन के डीलरशिप पे जाता हूँ कि मुझे लगे कि हाँ जेन्युइन है और मेरा व्यूअर्स को एकदम जेन्युइन डील मिलेगा। इन रेस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ कार्स, इन रेस्पेक्ट टू द प्राइसिंग, एवरीथिंग शुड बी अ विन-विन सिचुएशन। श्योर, डेफिनेटली। सो आज का स्टॉक भी धमाल होगा, कमाल होगा। आज का स्टॉक काफी वैरायटी रहेगा, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल्स है, डीजल है, मीडियम रेंज से लेके थोड़ा सा ऊपर भी है, तो बिल्कुल मिक्स एंड मैच करके हम लोग मैच हो जाएगा। तो लोन फैसिलिटी मिल जाएगा, एनओसी मिल जाएगा, ये लोन फैसिलिटी। एक और चीज मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि लोन फैसिलिटी बिहार और एक दो स्टेट छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी हो जाएगा, ये तो नया सरप्राइज है। जी हाँ। सो जनरली मेरा काफी व्यूअर्स उड़ीसा से, साउथ से लेते हैं गाड़ी, इनके लिए हो जाएगा। क्या बात है, बल्ले बल्ले। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर माय साउथ इंडिया कस्टमर्स, फॉर उड़ीसा कस्टमर्स। तो आप प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए, फोन कीजिए, डिटेल्स लीजिए कैसे क्या हो सकता है। तो और देर नहीं करेंगे, शुरू किया जाए आज का सफर। सो गौरव जी, एकदम सस्ते पे सस्ता कुछ होगा स्टॉक? बिल्कुल होगा दादा, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ आज होने वाला है। दो सेंट्रो है और एक विंटेज कैटेगरी की गाड़ी है जिसको लोग ओन करने के लिए सोचते थे, मारुति 800, 2006 की गाड़ी है, सीएफ की हुई है, बेहतरीन कंडीशन में है, अभी भी चल रही है बेहतरीन से कंडीशन से। 59,000 में मारुति 800 2006 की सीएफ की हुई, पेपर ऑल अप टू डेट। ओके, बाकी दो गाड़ी दोनों 8 की सेंट्रो है, पेट्रोल है, 23 तक टैक्स पे किया हुआ है, दोनों फर्स्ट ओनर है, एक व्हाइट कलर की गाड़ी है और एक ग्रे कलर की गाड़ी है। व्हाइट गाड़ी की प्राइस 89,000 और ग्रे वाली की प्राइस है 99,000। 89 और 99, 59. सस्ता, सुंदर और सच में टिकाऊ। दोनों सेंटरों में पावर स्टेरिंग है, पावर विंडोज है, न्यू सिस्टम है, एसी है, और 800 में भी एसी है दोस्तों। क्या बात है? और सब कुछ रनिंग है। अभी गाड़ी फिजिकली अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैं वीडियो आपको, स्नैपशॉट आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। पसंद आने पे ज्यादा टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग तुरंत फोन कीजिए और मेरे से फोन पे बात कीजिए। सो आज का सफर जलवा शुरू करेंगे चमचमाता हुआ वरना से। मैं देख पा रहा हूँ 1.6 SX ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, पेट्रोल वेरिएंट है, गाड़ी अराउंड 45,000 ऑड किलोमीटर चली हुई है। ओके, एनओसी मिल जाएगा जो बाहर से देख रहे हैं, स्पेशली जिनको ऑटोमेटिक गाड़ी ढूंढ रहे थे उनके लिए बड़ी और लग्जरी सेडान लेके आए हैं हम। राइट, प्राइस पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाद में आएंगे। कब का गाड़ी है? ओह सॉरी, हाँ ये गाड़ी है
2014 की ओके 24 तक टैक्स पे 14 का गाड़ी है 24 तक टैक्स पे 1.666 वेरिएंट है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक पेट्रोल विटी और एकदम सीट्स का कंडीशन भी एकदम लाजवाब बहुत बढ़िया है एकदम आपको अच्छा है कोई खर्चा नहीं है और आग बंद करके ले सकते हैं और इसके साथ आपको इन हाउस वारंटी भी मिलेगा इंजन और गियर बॉक्स के ऊपर क्या बात है कितना दिन के लिए छह महीने के लिए मिल जाएगा और ये आउटस्टेशन कस्टमर्स के लिए लोन हो जाएगा आउटस्टेशन कस्टमर के लिए सिर्फ बिहार छोड़ के बाकी सब स्टेट में लोन हो जाएगा फैंटास्टिक दादा के लिए स्पेशल प्राइस हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं 4,25,000 ओनली में ऑटोमेटिक गाड़ी इतनी चमचमाती हुई बढ़िया कंडीशन कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है टायर्स ब्रांड न्यू लगाया हुआ है दोस्तों ब्रांड न्यू चारों टायर्स ब्रांड न्यू है बॉडी जबरदस्त है और मिंट कंडीशन पे भी एक दाग नहीं है बिल्कुल मिंट कंडीशन में गाड़ी है दोस्तों वेट मत कीजिए फोन घुमाइए 4,25,000 रुपए 14 का 24 ऑटोमेटिक और मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का नया गाड़ी पे वेरियंस था तब का जमाने में 1,10,000 ध्यान पे रखना ऑटोमेटिक गाड़ी है सो हुंडई से आ चुके हैं होंडा पे 7-सीटर BRV मोबिलियो एक्चुअली BRV ही है थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है करेक्ट बट आप करेक्ट ही बोल रहे हो ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है 19,000 चली हुई है गाड़ी आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया लाजवाब 2015 कंडीशन पे है बिल्कुल ओरिजिनल पेंट का लग रहा है पेंट का ही है और सिर्फ 19,000 चला हुआ है 19,000 विद सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा फर्स्ट ओनर गाड़ी है पेट्रोल वेरिएंट है तो आपका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी नील हो जाता है साल में आप अगर 10,000 किलोमीटर या 15,000 चलाते हो एक बार सर्विस करना है मैक्सिमम खर्चा 5,000 रुपये लगता क्या बात है राइट सो 2015 की 25 टैक्स फर्स्ट ओनर 19,000 चली हुई गाड़ी वेरिएंट है एसएमटी वेरिएंट है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम है यस कीलेस सॉरी रिमोट लॉकिंग है रियर आर्मरेस्ट है राइट और 7-सीटर गाड़ी है कंफर्टेबल गाड़ी है स्पेशियस गाड़ी बड़ी फैमिली के लिए बड़ी गाड़ी हो जाती है जैसे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता पड़ता दो गाड़ी में नहीं जाना है एक ही गाड़ी में ऑलमोस्ट 7 लोग फिट हो जाते हैं प्राइसिंग 4,49,000 ओनली 4,49,000 और थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है 39 वाह क्या बात है 439 पे 7-सीटर BRV या मोबिलियो व्हाटएवर यू से 15 का 25 का टैक्स देके USP है 19,000 सिर्फ चला हुआ है हुंडई फिर से एक वर्नर 4S वेरिएंट राइट ये 4S है हुंडई की 2016 की फर्स्ट ओनर गाड़ी अराउंड 50,000 के आसपास चली हुई है ओके डीजल है डीजल वेरिएंट में 16 का गाड़ी है 26 तक टैक्स पे करके हम लोग देंगे ये गाड़ी 1.6 फर्स्ट ओनर अराउंड 50,000 चली हुई है डीजल है तो फिर माइलेज का कोई टेंशन नहीं है और साथ में फीचर्स भी बहुत सारा आ जाएगा पूरा फुली लोडेड गाड़ी है और 16 का गाड़ी है मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं है ज्यादा फीचर्स आ जाएगा इसमें अलॉयज टायर्स इंटीरियर एक्सटीरियर जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है दोस्तों शायद इससे अच्छा ही दिखेगा सामने आपकी आंखों से काफी अच्छा लग रहा है देखने में सिल्की सिल्वर कलर पे है ये गाड़ी अगर कोई बाहर से देखना चाह रहे हैं वीडियोस मंगाना चाह रहे हैं आप प्लीज काइंडली जो नंबर दिया उस पर फोन कीजिए आपको हम लोग रिवर्ट बैक कर देंगे विथ फोटोज और वीडियोज राइट सो प्राइसिंग पे आ जाएंगे प्राइसिंग पे आ जाते हैं 5,49,000 में 16 की 26 टैक्स 4S मॉडल बहुत ही बढ़िया कंडीशन में 16 का 26 549 हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है आपके लिए क्या बात है 540 16 का 26 1.6 SX डीजल माइलेज कोई खर्चा नहीं गाड़ी है। तो दिख ही रहा है और सेडान में ये वन ऑफ द फाइनेस्ट गाड़ी चमक रहा है एकदम चमक रहा है गाड़ी चमकाने वाला गाड़ी लाते हैं दादा ढूंढ ढूंढ के कि आपके व्यूअर्स को अच्छा अच्छा गाड़ी दे सको और मुझे लग रहा है ये गाड़ी भी फोन पे ही डील हो जाएगा ये गाड़ी फोन पे डील होगा करेक्ट बात आने का जरूरत नहीं है 5,40,000 वापस आ चुका है फिर से होंडा होंडा का हैचबैक ब्रायो स्मॉल बोलते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट स्मॉल है बट पावरफुल है ये छोटी है धमाकेदार है 12 की गाड़ी है 27 तक टैक्स पेड फर्स्ट ओनर गाड़ी अराउंड 33,000 चली हुई है पेट्रोल
EMT मॉडल। ओके, तो जो प्राइस में जो बजट आने वाला है इस कैटेगरी में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आज जो इसका प्राइस हम रखने वाले हैं शायद ये मोस्ट चैलेंजिंग और ये मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस होने वाला है। सो 12 का 27 तक टैक्स पे करके सिर्फ और सिर्फ 1,95,000 में हम लोग देंगे। 1,95,000 27 तक टैक्स पे। आप किसी का भी देखोगे, मेरे हिसाब से जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर भी हैं उनका वीडियो भी देखोगे, ब्रियो जो है 12 का 22 टैक्स 2,00,000 में बिकता है। अच्छा, इसको हम बेटर बना जाते हैं। 195 बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, शायद आपको प्राइस भी थोड़ा सा और लुक्रेटिव कर देते हैं और बोलते हैं ना ललचाने वाला प्राइस कर देते हैं। नो एक्सीडेंटल, नो इंजन प्रॉब्लम, गेयर बॉक्स इंजन सब पे वारंटी मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कम प्राइस में आपको कुछ भी बेच रहा हूँ, ठीक है? तो कम प्राइस भी है, ट्रस्ट भी है और गाड़ी का वारंटी भी है। यही तो खासियत है कैलकाटा क्यूब का, प्राइस भी अच्छा मिलेगा, गाड़ी भी अच्छा मिलेगा। सो दैट्स द ट्रस्टेबल फैक्टर फॉर माय चैनल। कैसा लग रहा था आज का प्राइसिंग? एकदम बढ़िया लग रहा है। खुश है तो? एकदम शुरुआत। मेरे हिसाब से आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको खुश होना जरूरी है। ये तो शुरुआत है सिर्फ, आगे आगे बहुत सारा दिखा रहा है। बहुत गाड़ियां हैं अभी तो। फिर से होंडा किंग ऑफ सेडान होंडा सिटी में देख पा रहा हूँ। जबरदस्त कैश का कंडीशन है, चेरी कलर पे गाड़ी है पूरा का पूरा। डिटेल सर, राइट, 2013 की गाड़ी है, 23 तक टैक्स पेड है। ओके, फर्स्ट ओनर गाड़ी, अराउंड 40,000 चली हुई है। तो गाड़ी थोड़ा सा अंदर से दिखाना चाहेंगे। वाओ, काफी अच्छा कंडीशन पे है, सीट्स कवर्स में देख पा रहा हूँ। सामने का सीट्स भी काफी अच्छा कंडीशन पे है, इंटीरियर का कंडीशन भी काफी अच्छा है मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों। वेरी गुड कंडीशन इंडीड। सो आई एम श्योर आपने अंदर बाहर देख लिया है। जनरली दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली एजुकेट नहीं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो 3-4 पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए दोस्तों। टायर कैसा है, बैटरी का लाइफ कैसा है। बैटरी में एक इंडिकेटर होता है, बेसिकली उसमें वाइट रेड और ग्रीन का साइन आता है, तो उससे आपको बैटरी का लाइफ पता चलेगा। ग्रीन है तो बहुत बढ़िया बैटरी है, वाइट है तो फिर चलेगा, और रेड है तो मतलब बैटरी का लाइफ ऑलमोस्ट गया है। तो ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए। इंटीरियर्स बेसिकली आपको देखना चाहिए, बाहर से ज़्यादा आपको इंटीरियर्स देखना चाहिए दोस्तों। तो बस ये छोटा सा अच्छा लगा सुन के, कोई सेकेंड हैंड डीलरशिप कस्टमर्स को समझा रहा है, ये जनरली कोई समझाता नहीं है। चोरी पकड़ ना जाए इसके लिए। दिस इज द ट्रस्ट और द फैक्टर। 2013 की गाड़ी है, 23 तक टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर अराउंड 40,000 के आसपास चली हुई है, SMT वेरिएंट है, पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल में। प्राइस इसका हम लोग जो मांग रहे हैं 3,00,000, सिर्फ 9,000 रुपया। इसको 3 के नीचे नहीं हो सकता है, थोड़ा सा टफ है, बट 3 पर लोगों को आने दीजिए, मैं फिर भी देखेंगे। तो अभी के लिए 3,900 कर देते हैं, बट आपका बात जरूर रखेंगे दोस्तों। देखिए हमारा इंटेंशन, हमारा पॉलिसी, हमारा विजन यही है कि जो लोग आ रहे हैं उनको हम गाड़ी दे सके, क्योंकि इतने सारे डीलर हैं, समझ रहे हो ना। तो कोशिश यही रहता है कि अपना शेयर छोड़ो नहीं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट गाड़ी शानदार चंदर XUV 500। वाह, किंग ऑफ SUV। इंडियन ब्रांड मैं देख पा रहा हूँ, एलोएस के साथ आएगा। फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, अराउंड 70,000 चली हुई है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देते हैं। जी जी जी। सो दोस्तों इंटीरियर दिखा देते हैं आपको। वाओ, फुल लेदर अपहोल्स्ट्री, आर्मरेस्ट के साथ आ जाएगा, आर्मरेस्ट आ जाएगा, बढ़िया। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आ जाएगा। इंटीरियर का कंडीशन काफी अच्छा है मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, काफी अच्छा कंडीशन पे है, अच्छा मेंटेन्ड है गाड़ी। तो गाड़ी तो काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड है। जी हाँ, फर्स्ट ओनर है तो बेसिकली हैंड चेंज होने से तो थोड़ा वेरिएंट है। ये W8 है, W8 डीजल का टॉप मोस्ट। जी हाँ, कब का गाड़ी है? 2012 का। इस साल आपको नवंबर या अक्टूबर के टाइम में इसका टैक्स, नवंबर में टैक्स है इसका, और 70,000 जैसे मैंने बताया, 70-75,000 चली हुई है। ओके, गाड़ी
बेहतरीन कंडीशन में है। तो 70-75 सुन के बहुत लोग सोचेंगे इतना चला हुआ है। दोस्तों एक्सयूवी 500 जैसा गाड़ी 1-2 लाख चलने के लिए बनाया जाता है, कोई उसके नीचे बेचता नहीं है। शायद आपको इधर उधर मिल जाएगा, बट आई सजेस्ट ठीक से सर्विस सेंटर से चेक करा लीजिए। इधर जो बोला जाएगा आपको जेन्युइन किलोमीटर ही बोला जाएगा। बिल्कुल, कोशिश तो वही करते हैं कि और इंजन में कोई साउंड नहीं है। हम लोग फिर से सर्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमारा बाइंग के टाइम में भी हम लोग का जो चेक पॉइंट्स है उसको, उस चेक पॉइंट में अगर आता है गाड़ी तभी मैं दोस्तों आपके लिए गाड़ी खरीदता हूँ। 12 का गाड़ी है, 22 नवंबर तक टैक्स है, W8 है यानी टॉप मॉडल है, डीजल है, अराउंड 70-75,000 चली हुई है, 4,69,000 ओनली। और बेस्ट क्या हो सकता है? आएंगे तो बिल्कुल करेंगे बेस्ट, बाकी फोन के लिए 4,69,000 अभी के लिए 469, बट बेस्ट प्राइसिंग हो जाएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। सो फॉक्सवैगन काफी फेवरेट ब्रांड है मेरा। मैं बोलूंगा पहले इसके बारे में, बोलने से पहले लोगों को इसके बारे में फील करने दीजिए। जब आप दिखाइएगा, देखिए अंदर, बेसिकली है ये पोलो, है डिकी के साथ आएगा दोस्तों। सो पोलो को एक डिकी लगाने से हो जाता है एमियो। यस, ये बन जाएगा एमियो, बट है पोलो। सो पोलो लवर्स आपके लिए एक सेडान गाड़ी इफ यू आर लुकिंग फॉर हो जाएगा, काफी सस्ता पे हो जाएगा। इंटीरियर का कंडीशन सही में एकदम लाजवाब है। शॉकिंग, आदमी ने अपने प्यार से सजा के गाड़ी रखा है दादा। यस, और इसका टायर्स देखिए, कोटी देखिए, वाओ, फैंटास्टिक कंडीशन पे है। सो गाड़ी तो है जिंगा लाला अंदर से बाहर से, टायर्स भी एकदम मस्त कंडीशन पे है। बिल्कुल। सो कब का गाड़ी है? 2017 की गाड़ी है, जुलाई में टैक्स है। बाहर से देख रहे हैं उनके लिए ये सोने पे सुहागा होने वाला है। यस, एनओसी निकल जाएगा आराम से, प्राइस भी सस्ता पे आ जाएगा, प्राइस भी सस्ता आ जाएगा। पोलो का बड़ा भाई एमियो है ना, छोटे में डिक्की जैसे दादा ने आपको डिस्क्राइब किया है, डिक्की में आता है गाड़ी। टायर्स में कुछ भी आपको खर्च नहीं करना, बॉडी में जो एक दो पार्ट है वो मैं रिफर्बिश करके आपको पॉलिश करके क्लीनिंग करके दूंगा। टॉप मॉडल है, ऑलमोस्ट जितने फीचर्स हैं, एयरबैग, एबीएस, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक कंट्रोल, रिमोट लॉकिंग, सब कुछ है दोस्तों इसमें। नया लॉट का टायर्स है। बहुत पेट्रोल है, पेट्रोल है, फैंटास्टिक। किलोमीटर अराउंड 45,000 के आसपास चली हुई है, ज्यादा चला भी नहीं है, ज्यादा चली हुई पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, शानदार जानदार कंडीशन पे। बिल्कुल दादा, पूछना ही नहीं है कंडीशन के बारे में। वेल मेंटेन्ड, प्राइसिंग, प्राइस इसका भी धमाकेदार करते हैं, ठीक है, 3,39,000। इसमें तो मैंने हैचबैक भी नहीं आता है दादा, आपको मैं बोल दिया कि ये प्राइस में पूरा कैलकटा में कोई नहीं दे पाएगा एमियो 2017 का। आप चेक कर लो दोस्तों, मैं आपके लिए ये प्राइस दे रहा हूँ और दादा के लिए। दादा आते हैं हर 15 दिन में, एक महीने में एक बार, तो मुझे इनके लिए बेस्ट करना है, आपके लिए बेस्ट प्राइस करना है। 3,39,000 में एमियो, इतना बढ़िया कंडीशन, सबसे बड़ी बात है इसका छोटा भाई भी ये प्राइसिंग पे नहीं आएगा। सो ये सेडान गाड़ी पोलो का बिग ब्रदर एमियो आ जाएगा 3,39,000 पे, 17 का गाड़ी। तो फिर से एक एमियो चॉकलेट ब्राउन कलर पे। हाँ। तो पहले इंटीरियर से शुरू, इंटीरियर दिखाइए दादा इसका भी दिखा देते हैं, पहले टायर्स भी दिखा देंगे। इसका भी टायर्स एकदम जबरदस्त कंडीशन पे है, तो इंटीरियर दिखा देते हैं आपको। वाओ, देखिए सीट्स का कंडीशन जबरदस्त, वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड, आप देख सकते हो। इंटीरियर का कंडीशन काफी अच्छा है। सो इसका डिटेल्स भी आ जाएंगे। जी हाँ, एक और एमियो पेट्रोल, ये कंफर्ट लाइन मॉडल है, बेसिकली बीच वाली मॉडल, बेसिक फीचर्स आ जाती है इसमें। 2016 की गाड़ी, 26 तक टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर गाड़ी, अराउंड
16 का गाड़ी जी हाँ 16 तक टैक्स पेड टैक्स पेड है किलोमीटर 49,000 के आसपास मैंने 50 के नीचे 50 के नीचे ही है पेट्रोल गाड़ी है कंफर्ट लाइन है कंफर्ट लाइन है ज्यादा फीचर का वेरिएंस नहीं होता है हाई लाइन से कंफर्ट लाइन पे सिर्फ एलॉयज नहीं आता है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं आता है राइट बाकी सब फीचर्स आ जाएगा बाकी मोर ऑर लेस सारे फीचर्स हैं दोस्तों टैक्स दिया हुआ तो टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है झमेला नहीं है आपको अलग से कोई टैक्स भरना नहीं है राइट प्राइसिंग 3,49,000 कर देते हैं इसको 349 ये टैक्स के साथ क्या बात है क्या बात है 3,49,000 पे लोन तो हो ही जाएगा आराम से हो जाएगा नहीं है पूरा का पूरा लोन हो सकता है दोस्तों आप so, और एक हॉट हैचबैक बलेनो है ये 2018 की लाइफ टाइम टैक्स पेड पहले इसका भी मैं टायर्स दिखाना चाहूंगा आ जाइए इंटीरियर का भी कंडीशन दिखा देते हैं कैसा है कोटी देखिए वाओ कंडीशन बहुत ही प्यारा है तो इंटीरियर देख लेंगे ओरिजिनल सीट कवर्स आ जाएगा आपको बलेनो का मारुति का वेरी वेरी वेल मेंटेन स्टीयरिंग कंट्रोल्स आ जाएगा म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा काफी अच्छा कंडीशन पे है दोस्तों आप देख सकते हैं सो काफी अच्छा कंडीशन पे है कि बोलिए टायर्स बोलिए इंटीरियर बोलिए एक्सटीरियर बोलिए सब कुछ कब का गाड़ी है सर ये 2018 की है डेल्टा पेट्रोल फर्स्ट ओनर विथ लाइफ टाइम टैक्स लाइफ टाइम टैक्स के साथ जी बलेनो जी हाँ वो भी 18 का गाड़ी बिल्कुल किलोमीटर अराउंड 38,000 चली हुई है कम चला है कम चला हुआ है प्राइसिंग को इसका बेस्ट से बेस्ट करते हैं भैया बेस्ट टू बेस्ट 5,49,000 और कुछ हो जाएगा ना मेरा आपके लिए बोलना नहीं होता मैं बाय डिफॉल्ट प्राइस जो है बेस्ट करने का कोशिश जरूर करता हूं और उसके बाद भी लोग आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं 2,000-5,000 तो सोचता भी नहीं है दोस्तों सही बोला ना दोस्तों सो 5,49,000 पे लाइफ टाइम टैक्स का मतलब इसमें 40-45,000 अमाउंट ज्यादा लगता है तो उस हिसाब से प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है जिंदगी भर आपको टैक्स के लिए चिंता करने का दरकार है नहीं फिर से छोटा हैचबैक यॉन सिल्की सिल्वर कलर पे पहले मैं आपको इंटीरियर दिखा दीजिए सर एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दिखा देते हैं इसका भी टायर्स देख लीजिए काफी अच्छा कंडीशन पे है टायर्स चले इंटीरियर का कंडीशन भी दिखा देते हैं सीट्स देखिए काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड है सीट्स पे भी खर्चा है नहीं सीट्स का कंडीशन देखिए वाओ इंटीरियर का कंडीशन काफी अच्छा है सो कंडीशन आप देख चुके हो फैंटास्टिक कंडीशन अगेन ये 2018 की गाड़ी है 23 तक टैक्स पेड है फर्स्ट ओनर गाड़ी 24,000 चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड मैग्ना प्लस मॉडल स्पोर्ट्स के जस्ट नीचे स्पोर्ट्स में अलॉय एयरबैग आता है इसमें सिर्फ एयरबैग नहीं है बाकी सारे फीचर्स हैं दोस्तों प्राइस ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं 2,59,000 ओनली 2,59,000 में 18 की गाड़ी 24,000 चली हुई फर्स्ट ओनर ढूंढते रह जाओगे 90-95% तक लोन भी हो जाएगा आराम से सर आराम क्या बात है और छोटा गाड़ी पे 40-50,000 डाउन पेमेंट कीजिए गाड़ी लेके जाइए बिल्कुल बाइक से भी सस्ते हैं और डाउन पेमेंट में आप गाड़ी लेके जाओ राइट 2,59,000 पे दोस्तों 18 का गाड़ी 23 तक टैक्स देके फिर से एक प्रीमियम हैचबैक रेड कलर पे पोलो सो पोलो के पास अभी जस्ट आई है गाड़ी दोस्तों देखो एक दो स्क्रैचेस है मैं पहले बता देता हूँ डेंट हम लोग दिखा के आपको दिखा देंगे पेंट है गाड़ी से इसमें व्हील कैप भी लगेगा हाँ व्हील कैप भी लगेगा जस्ट अभी आई है तो अभी आया है गौरव जी बोल रहा है फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये डीजल गाड़ी था तो मैं सोचा कि दोस्तों को पता होना चाहिए हमारे जो व्यूअरशिप है डीजल गाड़ी का काफी डिमांड है अभी लोग ढूंढ रहे हैं खोज रहे हैं तो सीट्स पे तो खर्चा है नहीं सीट्स पे खर्चा नहीं है इनफैक्ट जो बॉडी में भी जो काम है वो हम ही करेंगे सर तो उस पर भी खर्चा नहीं है सो इंटीरियर का कंडीशन देख सकते हैं आप काफी अच्छा कंडीशन पे है
म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा। सो डिटेल्स फिर से एक बार। जी हाँ सर, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फोक्सवैगन की पोलो डीजल, अराउंड 45,000 चली हुई है। कंफर्ट लाइन मॉडल है, मिडिल मॉडल है। okay. और 14 की 24 लास्ट तक टैक्स पेड है। ओके okay. बाहर का जो गाड़ी, जिनको गाड़ी चाहिए उनके लिए एनओसी भी निकल जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूँ, ये जो छोटी मोटी जो डेंट्स है मैं निकाल के दूंगा, रिफर्बिश करके दूंगा, व्हील कैप लगाऊंगा, पॉलिश करवा के रेडी, जैसे बाकी सब गाड़ियां हैं वैसी ही रेडी। का लुक्स पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, जैसी नई गाड़ी दिखती है वैसी दिखेगी सर। लेट्स कम टू द प्राइस। यस, 2,89,000 में 14 की 24 नवंबर तक टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर गाड़ी, कंफर्ट लाइन। सो 2,89,000 पे हो जाएगा, हो जाएगा। दिस इज नॉट द फाइनल प्राइसिंग, दिस इज बेस्ट प्राइसिंग सर। कुछ तो कुछ हो जाएगा मेरे व्यूज के लिए, कुछ ना कुछ तो होगा। फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट गाड़ी रेट्स, मारुति का रेट्स गाड़ी है। सो रेट्स गाड़ी है, एकदम चमचमाता हुआ ब्लू कलर पे मैं देख पा रहा हूँ। सिर्फ 9,000 किलोमीटर चला हुआ है सर, प्रूफ, प्रूफ में देना चाहूंगा, प्रूफ भी है, टायर्स, टायर्स भी है सर। मैं और देखना चाहूंगा, टायर्स देख लीजिए। सो टायर्स देखिए, यस टायर्स से ही आपको समझ में आज आ गया होगा। पीछे का भी दिखा देते हैं प्रूफ करने के लिए, सभी टायर्स ऐसा है। सो इंटीरियर का कंडीशन, सीट्स देखिए, सीट्स देखिए सर, किसी शौकीन का सीट लगा हुआ है। यस, पहले एम्बेसडर में, राजा गाड़ी में ऐसे सीट लगता था। एग्जैक्टली राइट, ऐसा सीट मैंने कवर काफी मुद्दत के बाद देखा है। सो सामने का कंडीशन, डैशबोर्ड का कंडीशन देख सकते हैं, काफी अच्छा कंडीशन है, काफी अच्छा। सो फिर से डिटेल्स पे आ जाएंगे। राइट दादा, 2010 की गाड़ी है, 25 तक टैक्स पेड है, LXI है, 9,000 किलोमीटर चली हुई है विथ सर्विस रिकॉर्ड। लेडी ओनर के नाम पे गाड़ी थी ये, उन्होंने चलाया ही नहीं गाड़ी, एक्चुअली काफी एजेड थी, बिल्कुल 9,000 चली हुई है सर। टैक्स 25 तक दिया हुआ है, टेंशन नहीं है। और दोस्तों रिट्स और स्विफ्ट में दोनों में एक ही इंजन आता है दोस्तों। स्विफ्ट का भले ही प्राइस इसका 20-30% ज़्यादा रहेगा, रेट्स का प्राइस कम रहेगा। राइट तो जो कम बजट में गाड़ी ढूंढ रहे हैं, जो अच्छी गाड़ी कम बजट में ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये गाड़ी है। प्राइस बहुत लुक्रेटिव, लाजवाब, किफ़ायदार कर देते हैं। 1,69,000 10 का 25 टैक्स, सिर्फ 9,000 चला हुआ, 1,69,000 पे। जी क्या बात है। एक और गाड़ी देखिए दोस्तों, ये भी रिट्स है, ये 2011 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है विथ लाइफ टाइम टैक्स। ये देखिए उधर टैक्स, उधर 9,000 दिया था, वो उसका कैच है, इसका कैच है लाइफ टाइम टैक्स, 40,000 के आसपास चली हुई है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में। इसका भी कंडीशन एक बार दिखाना चाहूंगा, स्पेशली इसका भी टायर्स, टायर्स एकदम ब्रांड न्यू सर, एकदम ब्रांड न्यू टायर्स। काफी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम के साथ आ जाएगा। तो आज तीन तीन रेट्स दिखाएंगे, एक दिखा चुके हैं, इसका प्राइसिंग। इसमें एक और चीज मैं मेंशन करता हूँ, 2011 की गाड़ी है विथ लाइफ टाइम टैक्स, फर्स्ट ओनर गाड़ी, LXI है, बट फ्रंट टू पावर विंडोज लगाया हुआ है दोस्तों। ओके चलिए इसको भी एक बेस्ट प्राइस कर देते हैं, है ना, 1,59,000 ओनली। सही सुना है, 1,59,000 जॉलर दाम फॉलर रॉस, 1,59,000 और क्या चाहिए, और ये कंडीशन पे गाड़ी, सबसे बड़ी बात, और लाइफ टाइम टैक्स है दोस्तों। प्राइस का जो मार्जिन है एकदम कट शॉर्ट कर दिया हूँ, और ये गाड़ी बेचने में जाएंगे 5 साल बाद, सो लगभग 20,000-30,000 मैक्सिमम खर्चा होगा। बिल्कुल सर, डिप्रिशिएट होगा मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्राइसिंग और डिटेल्स पे आ जाएंगे। राइट, ये भी रिट्स है, बट ये VXI मॉडल है दोस्तों। ओके 2009 की गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स ये भी गाड़ी है। यस रिट्स, VXI, फर्स्ट ओनर,
चली हुई है अराउंड 46,000 के आसपास। 46,000 जी हाँ, 2009 का 24 तक टैक्स देखे और सॉरी लाइफटाइम टैक्स देखे। झारखंड नंबर पहले ये गाड़ी थी, अभी ये वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है सॉल्ट लेक आरटीओ में। ओके तो दोस्तों आपको जो दिख रहा है नंबर वो हम लोग चेंज करा के देंगे। ये प्राइस पे आ जाते हैं, लेट्स कम टू द प्राइस। 9 की गाड़ी, लाइफटाइम टैक्स 1,59,000 ओनली। लाइफटाइम टैक्स के साथ 1,59,000। सो डस्टर, तीन तीन डस्टर दिखाएंगे, सिल्वर और एक सिल्वर है एक ब्राउन कलर पे। सो काफी ग्राफिक्स किया गया है मैं देख पा रहा हूँ। इसका भी टायर्स का कंडीशन मैं दिखाना चाहूंगा, काफी मस्त है एकदम, देख सकते हैं टायर्स का कंडीशन। सो इंटीरियर का कंडीशन, सीट्स का कंडीशन, नया सीट कवर के साथ आ जाएगा। इंटीरियर काफी अच्छा कंडीशन पे है, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं काफी अच्छा कंडीशन पे है। और डिटेल्स पे आ जाएंगे। राइट, ये 2016 की डस्टर है, 26 तक टैक्स पेड, मिड वेरिएंट में डीजल 48,000 के आसपास चली हुई है, टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ जी। तो प्राइस बोल देते हैं, yes. ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। यस, 4,59,000 ओनली। 459 में 16 का 26 तक टैक्स पेड, 16 का गाड़ी, डीजल एसयूवी वाला फील, एसयूवी है हाँ, पूरा फील देगा, हाँ पूरा फील देगा। नेक्स्ट और एक डस्टर ब्राउन कलर पे, सामने का कंडीशन, साइड का कंडीशन, इसका भी टायर्स एकदम बरकरार है। सो इंटीरियर का भी कंडीशन दिखा देंगे आपको दोस्तों। सो इसमें भी सीट्स का खर्चा है नहीं कुछ, हेडरेस्ट आ जाएगा। तो फ्रंट सीट्स कंडीशन लाजवाब कंडीशन, RXL वेरिएंट है दोस्तों। टायर्स का कंडीशन 2017 की डस्टर है, RXL फर्स्ट ओनर गाड़ी, 55,000 के आसपास चली हुई है। 17 का क्या, 22 या 27? नहीं, ये 22 तक टैक्स पेड है, ये बाहर एनओसी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, मैंने बाहर वाले बाहर वालों के लिए ये अच्छा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा ये प्राइस भी। सो प्राइसिंग अट्रैक्टिव होगा ना? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। सुन लेते हैं, 4,59,000 चलिए है ना अट्रैक्टिव। 450 कर सकते हैं, 450 चलिए कर देते हैं, 450 चलिए, 4.5 लाख पे महा अट्रैक्टिव। सो 4.5 लाख का गाड़ी, 17 का गाड़ी। दोस्तों अगर आप अपना गाड़ी का इंजन को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, अच्छा रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका गाड़ी का प्रॉपर मेंटेनेंस हो, और जब आप गाड़ी PUC चेक कराने जाओगे, PUC चेक बाई चांस फेल भी हो चुका है, आपका डीजल गाड़ी है, आपका कॉमर्शियल गाड़ी है, PUC पास नहीं हो रहा है, पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, रेस्पेक्टिव गाड़ी, कोई भी स्कूटर बाइक कुछ भी हो, और धुआं ज़्यादा निकल रहा है, पिकअप नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, गाड़ी में साउंड ज़्यादा आ रहा है इंजन से, सो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है Calcutta Tube has come up with the decarbonization process. आपका गाड़ी का डॉक्टर मोबाइल वैन के साथ आपको नहीं आना होगा मेरे पास, हम आ जाएंगे आपके पास, सजेशन होगा, रिक्वेस्ट होगा, आपका गाड़ी डीजल है तो मस्ट, आपका गाड़ी पेट्रोल है, 2-3 साल चल चुका है तो जरूर एक बार डीकार्बोनाइजेशन करा लीजिए, और Calcutta Tube के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, उस ट्रस्ट से मैं बोल रहा हूँ, आपको निराश नहीं करेंगे, एक बार करके देखिए।